आज भी थोड़ा लेट हो गया, वैसे हम 6 बजे को निकलने का प्लानिंग था। सुबह सुबह का नजारा ऐसा कुछ दिखने को, 4 किलोमीटर अभी कवर कर चुका हूँ और इसको पूरा अभी मैंने वो कर दिया। मैं टाइम दिखा देता हूँ आप लोगों को, 12 बज चुका है। ये रात को अभी ट्रेन लगाने के लिए हम लोग वो कर रहा हूँ। हाय हेलो नमस्कार, खुलूम भाई सभी को स्वागत है और एक नई ट्रैवल डेली ब्लॉग में। और सुबह सुबह इतना मस्त नज़ारा देखने को मिलता है, ये देखो भाई, ऐसे लोकेशन, अगर एक ऐसे लोकेशन में अगर रहने को मिले और क्या चाहिए, है ना। और बाकी इधर है सुनो भाई, अभी नहाने के लिए वो कर रहे हैं तैयारी और ऐसा कुछ है माहौल घर का। दोस्तों फाइनली हम लोग निकल गया और ये भाई हमें छोड़ने के लिए जा रहे हैं। हम लोग जहाँ से हम लोगों को उठाया था रात को, हम लोग वहीं जाते हैं। हाँ। ओके हियर वी गो। यहाँ से अंबाजी इट विल बी लाइक 123 किलोमीटर दिख रहा है। तो भाई आप लोग देख सकते हो ये रहा ऐसा कुछ पहाड़। कौन बोलता है राजस्थान रेगिस्तान है। ये देखो इतना सुंदर नजारा, इतना ग्रीन भाई, पेड़ पौधा है भाई। ऐसा है कि पहाड़ के लोगों के माइंड में ना एक चीज लाइक घुसा दिया है कि राजस्थान बहुत रेगिस्तान है। हाँ रेगिस्तान है लेकिन वो अलग पार्ट है। और इधर आप देख सकते हो पहाड़, देखो इधर भैंस चल रही है। और ये देखो इतना खूबसूरत है यार, और आगे जाके तो और ज्यादा खूबसूरत दिखेगा, कसम से माँ कसम। इधर देखो वाह, आज मौसम बहुत ही अच्छा है, धूप भी नहीं है और हवा आ रही है, अभी बहुत ही मस्त हवा आ रही है। कसम से ना दोस्तों आज चल के इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि धूप नहीं है और इतना लाइक ग्रीनरी और हिल्स मेरा जो फेवरेट है। ऐसा लाइक नज़ारा अगर मेरे को देखने को मिलता है ना, मेरे को बहुत खुशी मिलता है। और ऐसे ही आज मेरे को राजस्थान में देखने को मिला, आई फील लाइक ये उत्तराखंड है ना कि राजस्थान, ऐसा फील हो रहा है। लेकिन रियल राजस्थान ऐसा है भाई, राजस्थान भी बहुत ही अच्छा लाइक घूमने के लिए जगह है। तो दोस्तों मेरा पैर देखो क्या हो गया, अभी ये चाला पड़ गया पूरा यार, बहुत दर्द कर रहा है ये देख सकते हो। इसको पूरा अभी मैंने वो कर दिया, हालत खराब है, पूरा हालत खराब है। और इसका भी ये सीन है, ये देखो इधर देखो। तो बहुत दर्द कर रहा है अभी, ऐसे थोड़ा बहुत रेस्ट कर रहा हूँ, अभी निकलते हैं, अभी देखते हैं ज़्यादा देर रुकेगा तो थोड़ा तकलीफ होगा। और दोस्तों ये देख सकते हो हमें अभी टनल मिल गया, टनल भाई। और अंबाजी कितना किलोमीटर है सुनो भाई, यहाँ से है अभी 95 किलोमीटर अंबाजी यहाँ से, और ऐसा कुछ टनल पहुँच गया हूँ अभी। और टाइम लगभग, और दोस्तों टाइम लगभग 3:11 हो चुका है और हमने कुछ नहीं खाया। और आगे चल जाएंगे और देखेंगे मैगी बनाने के लिए जगह, और उसके बाद खाएंगे और देखते हैं क्या होता है आगे का सीन। और पहले तो आप लोग टनल देखो, ये पूरा पहाड़ों के बीच में से रास्ता, टनल के बीच में ऐसा पानी निकलते हुए दिख जाएगा भाई, टगरा वाला। और ऐसा कुछ है टनल, लेकिन बहुत मस्त है बिकॉज बहुत ठंडा है, आए अच्छा है टनल के भीतर। आए ये देखो पूरा पानी आ रहा है ऊपर से। चलते हुए हमें ये क्या मिल गया, हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण प्रेमानंदी, ये क्या हुआ, रास्ते में पैसा मिल गया। अरे 100 रुपया का नोट मिल गया,
रियल है ना। अरे जाओ यार जाओ, सच में यार मजाक नहीं कर रहा, सच में मिल गया एक नोट। अरे किसका है ये नोट? भाई साहब पता नहीं क्या सीन है यार, माँ कसम हमने नौटंकी नहीं किया, ये सीरियसली हमें ये पैसा मिल गया भाई, किसका होगा ये पैसा? आगे क्या होने वाला है पता नहीं, बस हमें ये 150 रुपया मिल गया आज। तो दोस्तों हम लोग अभी रास्ते से आ रहा था एंड रास्ते में छोटा छोटा बच्चा मिला, तो इन लोगों को लाइक वो लोग कुछ बेच रहा है, लाइक ये क्या है, चीताफल ये मीठा है, कल पक जाएगा। अब नहीं पका, नहीं। दे दो, मुझे दे दोगे? पक्का? पैसा नहीं दूंगा, पैसा नहीं है मेरे पास, दे दो, दे दोगे? चलो तो चलो, सच्ची ले जाऊं? ले जाऊं? यार कितने क्यूट है ना यार, सच में सीरियसली यार। क्या नाम है तेरा? मनीष। भाई ये देखो, क्या नाम है? छोटा छोटा बच्चा, आपने बेचा इसको? कितना मिला आपको पैसा? जाने के लिए बोल रहा ले जाओ, दे देंगे फ्री में। कितना मिला पैसा? कितने रुपए का है ये? 10 का। 10 का। फाइव 39 मिनट हो गया है अभी, और जस्ट मैगी बना रहे इधर, लाइक इतना भूख लगा है ना आज, कुछ भी नहीं खाया भाई। हर रोज का ऐसा ही सीन हो रहा है हमारा, आज भी ऐसा है, और रोड साइड में ही थोड़ा बहुत बैठ के अभी बहुत दर्द कर रहा है आज, पैर भी बहुत। तो दोस्तों खाना बना करके आ गए हम लोग इधर ही, इस साइड में हम लोग खाना बनाया था, लाइक मैगी बनाया था मैगी बनाया था, और अभी चल रहा हूँ बस, अभी जस्ट स्टार्ट किया है हमने और अभी 6:20 हो गया है टाइम, और अभी लगभग अंधेरा होने वाला है, धीरे धीरे चलते हैं और देखते कितने दूर पहुंचते हैं आज। तो दोस्तों मैं टाइम दिखा देता हूँ आप लोगों को, 12 बज चुका है, अरे यार ये 11/4/23 देख सकते हो आप लोग, ये रात को अभी ट्रेन लगाने के लिए हम लोग को कर रहा हूँ, लाइक बहुत चला हमने आज, क्योंकि हमें पहुंचना था बहुत ही जल्दी अंबाजी, 2 दिन में पहुंचना है, लाइक गुजरात पहुंचना है 2 दिनों में, तो दैट्स व्हाई थोड़ा बहुत आज ज़्यादा चल दिया, और ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, और ये सब कुछ एचपी का लाइक पे फ्यूल स्टेशन है इधर, और इधर हम लोग का भी ट्रेन लगाने की तैयारी कर रहा हूँ वैसे, और क्या बताओ अभी ट्रेन लगाते हैं और रेस्ट करते कर सुबह निकल जाएंगे यहाँ से, तो ये वीडियो यहीं पर रखता हूँ, खास कुछ दिखा नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को, जस्ट मैं अपना डेली लाइफ ही दिखा रहा हूँ, है ना। तो वीडियो को अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक करना, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, बाकी मिलते हैं कल और एक नई वीडियो के साथ, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। अरे गुड नाइट क्या बोले अभी